टू कुक एंड ब्लॉग विद अंजलि। कैसे हैं दोस्तों आप? मैं हूँ बिल्कुल अच्छी। और अभी हो रहा है आफ्टरनून। आज मैंने बनाई थी आलू गाजर की सब्जी, जो मैं सोच रही थी रेसिपी शेयर करूँ, फिर सोचा चलो नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे। तो अभी बच्चों के एग्ज़ाम तो आने वाले हैं, तो बच्चे तो पढ़ रहे हैं, और मैंने अभी ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। तो पहले जाके देखती हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और कोई ना कोई रेसिपी तो आज शेयर करूँगी। तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, कुछ ना कुछ तो अच्छा शेयर करेंगे। तो जाके पहले देख लेती हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं, और आप लोगों को भी मिलवाती हूँ दोनों से। ये देखिए यहाँ पे बुक्स फैला के दोनों ही यहाँ से गायब है। कहाँ हैं दोनों? आई डोंट नो। दोनों की बुक्स यहाँ पे रखी हुई हैं। आदि पार्थ कहाँ पे हो? अच्छा ये देखो कहाँ से निकल के आया है। क्या कर रहा है? पढ़ाई कर ले। कौन सा सब्जेक्ट कर रहा था? एकदम से मैंने छापा मार दिया, दोनों के दोनों उठे हुए थे। पार्थ कहाँ है तू? पार्थ कहाँ पार्थ वहां से भागा है पीछे से भाग के। ये डोर हमारे, ये ड्राइंग रूम की डोर है, और बेल्कोनी जो है ड्राइंग रूम से और बच्चों के रूम से अटैच है, तो वहां से निकल के वहां आ गया है। पार्थ कहाँ है? तो ये बेल्कोनी है ना जो सामने दिख रही है, ये ड्राइंग रूम से अटैच है, और कहाँ भाग गया लुका छिपी। पार्थ ये देखना, और पूरे रूम को ना बच्चे मैसी, ये निकला है। चल पढ़ने बैठ जा, और बच्चों के रूम को कितना भी क्लीन कर लो गाइस, ये बिल्कुल थोड़ा सा मैस फैला के रख ही देते हैं। तो ये देखिए एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है और कितनी फैलाई हुई हैं बुक्स, दिख रहा है आपको? आदि ने चलो एक ली हुई है, तो एक ही लेके बैठा हुआ है। पार्थ ड्राइंग तो उठा के रख दे, बस ड्राइंग अब बाद में करियो, ठीक है? क्या कह रहा है अब? तू क्या कर रहा है? अभी खेल रहा हूँ थोड़ी देर, बहुत देर से पढ़ रहा था। ब्रेक ले रहा है? हाँ। अच्छा चलो वीडियो पॉज करना। जी अब मौसम हो रहा है चेंज, और मैं बहुत थोड़ी सी, मतलब कि इस ये वाला जो सीज़न होता है इसमें मैं थोड़ी सी डर जाती हूँ, बताओ क्यों? क्योंकि सीज़न चेंज होता है, बुलंस उठा के रखने होते हैं, समर्स के कपड़े निकालने होते हैं, सर्दी हो चाहे गर्मी, जब ये मौसम चेंज होता है ना तो ये अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन इसमें ना हम लेडीज़ लोग का ना काम बहुत बढ़ जाता है कि सामान उठा के रखना या सबके कपड़े उठा के रखने, ये काम बड़ा मुसीबत लगता है। और ये करने का टाइम बिल्कुल आ गया है, इसी टाइम में बच्चों के फाइनल एग्जाम होते हैं, तो उनको भी टाइम देना होता है और सामान भी रखना होता है, तो ये इसीलिए ज़्यादा टफ लगता है कि दो प्रेशर दोनों तरफ से होता है। तो मैं उस कमरे में, अपने रूम में तो आपको लेके ही नहीं जा रही हूँ, क्योंकि उस कमरे में मैंने जो वुलन्स रखे हुए हैं एक के ऊपर एक करके, और मैं उसको बलमीरा में नहीं रख रही हूँ, जो धुलते जा रहे हैं उनको एक तरफ ही रख रही हूँ, तो क्योंकि वो सब उठा के अब रखने ही हैं। तो हालांकि मैंने अभी भी ये ना पतला वूल है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हैवी नहीं है, तो मैंने तो यही पहना हुआ है, बट अब समर्स के निकालने ही पड़ेंगे। आप में से किस किस ने समर्स के कपड़े निकाल लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, क्या रेसिपी शेयर करूं, सोचती हूं फिर आपसे शेयर जरूर करूंगी। और हाँ तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, और मैंने एक पैन में देसी घी रख दिया है गरम करने के लिए, और यहाँ पे ले लिए मैंने सूजी एक बाउल में। और इसकी एक छोटी सी टिप है हलवे की, जो जिसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के चैनल पर डालूंगी, तो जरूर वॉच कीजिएगा। और उस वीडियो को शूट करने के लिए मेरे को वहाँ तक जाना ही पड़ेगा, जिस चीज़ के लिए मैं बता रही हूँ कि हलवा अगर आपका ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे उसे ठीक करना चाहिए। तो चलिए घी गर्म हो गया, डाल देते हैं, और उसके लिए वो शो करने के लिए मेरे को अपना हलवा बिल्कुल अच्छे से ब्राउन करना है, और फिर मैं उसको ठीक करके आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ। भून लेते हैं इसको। ये देखिए अब मैंने सूजी डालने के बाद सूजी को अच्छे से भून रही हूँ, और हमेशा हम जब हलवा बनाते हैं किसी भी चीज़ का,
तो कभी भी तेज गैस की फ्लेम करके नहीं भूनना चाहिए, मीडियम टू स्लो पे हमें अपनी सूजी आटा बेसन जो भी बना रहे हैं उस पे भूनना चाहिए। तो मैं सूजी का बना रही हूँ, तो मैंने मीडियम फ्लेम की हुई है और मैं इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से भून रही हूँ कलर चेंज होने तक। मैंने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया, इस टाइम पे हमें बिल्कुल नहीं रुकना है, लगातार इसको चलाते रहना है। गाइस अभी ये पूरा भून चुका है, अभी ये टाइम आ गया कि इसमें हमें गर्म पानी डालना है हलवे में। और दोस्तों हमारी यहाँ पे सूजी भून गई थी और अब इसमें मैंने डाला है पानी और दूध, दोनों ही चीज़ मैंने इसमें डाली है क्योंकि मैंने इसको भुना था थोड़ा ज़्यादा। तो देखिए अब ये हमारा हलवा बिल्कुल परफेक्ट कलर का हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा भुनेंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें चीनी। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ब्राउन शुगर, तो आप चाहे तो वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये देखिए ये मैंने लिए ब्राउन शुगर, अब मैं इसमें ब्राउन शुगर डाल देती हूँ। ये अब इसको मिक्स कर लेते हैं, आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। बस अब हमें थोड़ा सा शुगर मेल्ट होने तक इसे पकाना है, फिर हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। ऊपर से हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। बस थोड़ा सा पकाती हूँ और गैस ऑफ कर देती हूँ। और इसमें याद रखिएगा हमारी कढ़ाई जो है हलवा छोड़ना शुरू कर देती है, तो ये भी इसका इंडिकेशन होता है। और जितना हमने घी डाला होता है हलवे में, उतना ही बढ़िया तरीके से हमारा जो कढ़ाई जो होती है वो हलवे को छोड़ने लग जाती है। ये डिपेंड करता है, अगर आपने घी कम डाला है तो नहीं छोड़ पाएगी। देखिए आपको दिख रहा होगा मेरा हलवा कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, साइड से आप देखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। इस तरफ से आप देखिए जहाँ मैं अपना स्पैचुला चला रही हूँ, बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, कढ़ाई को एकदम छोड़ता जा रहा है हलवा। इट मीन्स जो मेरा हलवा है वो बिल्कुल रेडी होने ही वाला है, ये और भी छोड़ता जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप थोड़ा लिक्विड ही हलवा पसंद करते हैं तो आप इसे इसी टाइम भी खा सकते हैं, और आपको थोड़ा बिल्कुल कढ़ाई छोड़ा हुआ हलवा खाना है तो आप इसको थोड़ा सा और पका सकते हैं, देख सकते हैं ना। चलिए अब मैं थोड़ी देर में बस गैस ऑफ करके ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डालूंगी। अगर आपने परफेक्ट सिकाई की है हलवे की, तो हलवा देखो आपका इस तरीके से निकल जाएगा एकदम परफेक्टली। ये देखिए कढ़ाई के ऊपर बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुआ। चलिए अब इसको थोड़ा सा गार्निश करते हैं। चलिए अब हम इसे कर लेते हैं गार्निश कुछ ड्राई फ्रूट के साथ। चलिए इसके ऊपर से हो जाए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम किशमिश जो भी आप खाते हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स और कुछ धागे केसर के डाल देती हूँ। तो ये हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर से डाल दिया इलायची का पाउडर, उसको आप बनने के बाद तुरंत भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा हलवा है बिल्कुल रेडी। थोड़ा सा हम निकाल लेंगे भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए। और कैसी लगी आपको हलवे की रेसिपी जरूर बताना गाइस। हलवे का फ्लेवर जो है बाकी जो हलवा आपने बनाया होगा उससे थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने दूध का यूज़ किया है हलवे में, और इसमें ब्राउन शुगर का यूज़ किया है। जब आप बनाएंगे तभी आप जानिएगा कि क्या डिफरेंस है इसमें। तो चलिए ये मैंने भगवान जी के लिए निकाल लिया है, भगवान जी का भोग लगा लेती हूँ और ये बाकी का हलवा ढक देती हूँ, फिर फैमिली में सबको सबके सामने सर्व करूंगी। ये हलवा मेरे श्याम बाबा के लिए, खाटू नरेश की जय। भगवान जी को लग गया भोग, इससे पहले हलवा ठंडा हो, क्योंकि मौसम अभी इतना गर्म भी नहीं है। हलवा ठंडा हो सर्व कर देती हूँ बच्चों को भी, वो भी खा लेंगे। और हस्बैंड गए आज फरीदाबाद अपने ऑफिस काम से, तो वो जब आएंगे तो उनको भी सर्व कर दूंगी, तो बाकी का ढक के रख देंगे। तो चलिए फिर दाल लेती हूँ पहले, फिर आपसे मिलती हूँ। अरे डाला आदि के लिए ड्राई फ्रूट्स तो खा लेगा ना आदि, पार है जो ड्राई फ्रूट खाने में नकली करता है। पता ब्राउन शुगर से बनाया है, बिल्कुल वो नहीं होगा। बस बहुत है, पार तू भी ले ले आके। तो आदि कैसा लगा हलवा? मेरा हलवा बहुत ही परफेक्ट बना है, एकदम दानेदार लग रहा है।
ऐसा नहीं लग रहा लिक्विडी लिक्विडी। कभी इस तरीके से भी हलवा बना के देखिएगा, इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट लगता है। और मैं भी अब खा लेती हूँ, और आप लोगों को भी थोड़ा टेम्पटिंग लग रहा है तो आप भी बना के खाइए अपने घर में नहीं तो मेरे पास आ जाइए, मैं बना के खिलाऊंगी आपको। और ये आदि खा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों मुझे तो ये खा के बिल्कुल मज़ा आ गया है हलवा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर घर पे बना के देखिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपने सुझाव जो भी हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।